इस पहले सेशन में क्लाइंट की प्रॉब्लम डायग्नोज की जाएगी ताकि ये देखा जा सके कि इस पर कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा है। कैसे आना हुआ? थोड़ा एक्सप्लेन करने में मुश्किल है लेकिन मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी टाइम से ये एक मेरे साथ में सोच रही थी इस बारे में। मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब अगर मैं किसी भी मौके पर या कुछ भी अपनी कोई भी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हूँ ना, मतलब अब एक बात है जो करते हैं वो, मतलब जो एक मैं सोच रही हूँ अगर मैं कोई एक्सप्रेस कर रही हूँ कोई बात, तो बजाय ये कि अगला बंदा मुझे अंडरस्टैंड करे तो वो आगे से या तो हंसने लग जाता है या कुछ इस तरह। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस चीज़ का क्या करूँ। तो मैंने कहा मैम, मतलब ये यकीनन पूछूंगी इस बारे में, आप बेशक मेरे से बेहतर जानती हैं इस बारे में, तो आप मुझे थोड़ा बताएं मैं क्या करूँ कि अगले को मेरी बात समझ में भी आ जाए और मेरा ये नहीं मजाक भी ना उड़ाए और हंसे भी ना। यानी आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी आती? नहीं नहीं, मैं करती हूँ, ये बात तो नहीं है, मतलब मैं एक्सप्रेस करती हूँ, वो अगले को नहीं समझ आती, तो अगला ऐसा क्यों करता है? बात ये है ना कि आपको किस टाइम पे कौन सी फीलिंग जाहिर करनी है आपको इस चीज़ का पता नहीं चल रहा। लेकिन मुझे समझ नहीं आई। अच्छा चलें, आप हम देखते हैं क्या करना है। आप अपना नाम बताएं, क्या है? फातिमा एजाज। फातिमा एजाज, ओके। किधर से आप, किधर से बिलोंग करती हैं? मैं गुजरांवाला से हूँ। गुजरांवाला से, नाइस। तो क्या करती हैं आप, जॉब करती हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज की स्टूडेंट हैं आप? मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी से। गिफ्ट यूनिवर्सिटी से, जी। फैमिली में कौन कौन है आपकी? मेरी फैमिली में हम लोग चार लोग हैं, एक भाई है मेरा और पेरेंट्स हैं। बस दफ़ा हमारे साथ ऐसे ही होता है कि हम लोगों को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, लाइक किस तक, किस वक्त हम लोगों को खुश होना है और किस वक्त हम लोगों को सैड होना है। लेकिन इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, हम आपके साथ इंशाल्लाह बिल्कुल तामन करेंगे और आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकेंगी। लेकिन देखिए, आप भी वही बात कर रही हैं जो हर कोई बात करता है, मतलब आप मुझे ही कह रही हैं कि मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करती, मतलब मैं करती हूँ, अगले सही समझते नहीं है, तो ये क्या फिर वही? देखिए ना, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि बाकी सारे जो हैं वो गलत हों और आप अकेली जो हैं वो, हो सकते हैं आपको अपनी फीलिंग्स को वाकई एक्सप्रेस ना कर सकती हूँ। लेकिन देखिए ना, मेरी बात सुने ना, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना हो सकता है ठीक से नहीं आता हो। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो करती हैं, लेकिन हो सकता है आपको ये ना बताओ कि मैंने कौन से मौके पे स्माइल करनी है, कौन से मौके पे मैंने दुखी होना है और कौन से मौके पे मैंने नाराज होना है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। मतलब मैं आपके पास इस वजह से आई थी कि मैं आपको ये, आप शायद आप मुझे समझ सकें, आप मुझे बता सकें कि मैं बिल्कुल ठीक एक्सप्रेस करती हूँ जैसे बाकी लोग करते हैं, लेकिन आप भी वही कह रही हैं जो सब कह रहे हैं। देखिए, आप अपने हिसाब से तो ठीक करती होंगी, लेकिन दूसरे लोगों के लिए जो खुशी का बायस बनता है, आपके लिए वो दुखी, आप उस वक्त उस मौके में उदास होती हैं, ऐसी बात है? या दूसरे लोग जिसमें उदास होते हैं, आप उस मौके में खुश होती हैं? लाइक आप दिल से बेशक वो ऐसी ना करती हो, लेकिन आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करनी आती, ऐसी ही बात है? अच्छा, आप सही आप क्यों हंस क्यों रही हैं? मैं अब सिर्फ नर्वस हो रही हूँ आपकी बातों से, आप भी वही बात कर रही हैं जो सब करते हैं। नहीं, जब आप नर्वस होती हैं तो आप स्माइल करती हैं, मुस्कुराती हैं, तो क्या मतलब? मैं अब ये भी मैं गलत कर रही हूँ? देखिए ना, अगर आप नर्वस हो रही हैं तो आपको 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 जाहिर करना चाहिए कि आप नर्वस हो रही हैं, बजाय इसके कि आप स्माइल करें। मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है, लेकिन मैं अभी भी कन्फ्यूज हूँ। आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ रिलैक्स होकर बैठें, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। अगर आप मेरे सामने बैठ के नर्वस हो रही हैं तो आपको फेक स्माइल करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि मैं फेक स्माइल कर रही हूँ, आप मुझे कह रही हैं कि मैं ही फेक स्माइल, मतलब मैं फेक हूँ? देखिए ना, अगर आप नर्वस हो रही हैं मेरे सामने तो आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? ये फिर वही, ये आप क्या करिए? मैं टांग हिला रही हूँ, आप इसको जरा एग्जैजरेट करें। आप मेरी एक चीज नोटिस कर रही हैं। टांग क्यों हिला रही हैं? पता नहीं, मैं मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों, यानी कि ये आप ये क्या कर रही हैं? मतलब मुझे अगर किसी बात का जवाब ना आ रहा हो तो वो मैं ऐसे, अब मुझे आप मुझे प्लीज, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं स्टूपिड हूँ आपके सामने, आपकी ये, यानी कि आप मेरे सामने खुद को स्टूपिड फील कर रही हैं? क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रही हैं, मुझे उनके जवाब नहीं आ रहे, और फिर इस वजह से आप बहुत
मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे ऐसे क्वेश्चंस करें कि मुझे थोड़ा जवाब आती हो और मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील करूँ। चलिए आप मुझे ये बताएं कि जब आप नर्वस फील करती हैं या आपको डर लगता है तो आप क्या करती हैं? मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं एक सेफ कॉर्नर में बैठी हुई हूँ और बस मैं वहाँ पे अपने खुद को इमेजिन करती हूँ, और फिर उसके बाद अगर मैं होपसदा हो रही हूँ या मुझे डर लग रहा है तो मैं सेफ फील करती हूँ खुद को। आप उस कॉर्नर में जो है वो मुझसे खुद को सेफ फील कर रही हैं? हाँ शायद, क्योंकि मुझे थोड़ा आपसे होप्स मतलब आप जिस तरह मैं थोड़ा आपसे ठीक है ठीक है। लेकिन देखिए ना, आप मुझसे अगेन वही क्वेश्चंस कर रही हैं, ये तो मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि आप मुझे बताएं कि मेरे जो एक्शंस होते हैं वो दूसरे क्यों उसकी वजह से इस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो आप भी उस बारे में हेल्प नहीं कर रही हैं। आप बस मुझसे पूछ रही हैं कि मैं उस अपने इमेजिनेशन वाले कॉर्नर में क्या करती हूँ, तो ये तो फिर मतलब देखिए ना, देखिए बिल्कुल वेरी गुड, आपको गुस्सा आ रहा है मेरे बार बार क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन से। हाँ तो मैं यही आपका आपकी आपकी जो फीलिंग्स है वो ही मैं जानना चाह रही थी। बिल्कुल ठीक, आपने आपको गुस्सा आ रहा है, आपने अपना गुस्सा जाहिर किया बजाय इसके कि फेक स्माइल करके आपने उसको छुपाया है। यानी कि अब मैंने बिल्कुल ठीक किया आपने, लेकिन फिर भी अभी भी लोग तो सारे यही कहते हैं ना कि मैं मुझे नहीं आता एक्सप्रेस करना, या मैं आगे से वो हंसते हैं मेरे भैया मजाक उड़ाते हो, तो अब मुझे आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह। देखिए ना, आपने पहले जब आपने पहले आई आपने फेक स्माइल दी, आपने आप नर्वस हो रही थी मेरे सामने लेकिन आपने उसको छुपाया, ठीक है। लेकिन अब आपके साथ डायरेक्ट क्वेश्चन किए, आपको गुस्सा आया और आपने अपना गुस्सा जाहिर किया मेरे साथ। देखिए ना, लेकिन मुझे वाकई इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि मैं जो चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ आप उसकी बजाय मुझसे क्वेश्चन करी थी, तो आप मुझे अगेन ये कह रही हैं, एक मिनट, आप मुझे अगेन ये कह रही हैं कि मैं फेकनेस पहले दिखा रही थी, यानी मैं फेकनेस दिखा रही थी। आप मुझे मेरा ख्याल है कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से इससे बेहतर बात कर सकती हैं, ये आप अपना। देखिए ना, आप पहले फेकनेस ही दिखा रही थी, आपको आप नर्वस हो रही थी लेकिन आप स्माइल करी थी ना, लेकिन अब आपको गुस्सा आया और आपने अपना गुस्सा दिखाया बजाय इसके कि आप फेक स्माइल दिखा के अपनी जो गुस्सा है उसको छुपाती। आपने नोटिस किया? चलिए, आज का सेशन हमारा यहीं तक था, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट सेशन हमारा सुबह 8 बजे होगा, आप तशरीफ लाइएगा। इंशाल्लाह हम लोग आगे से अपने सेशन का नेक्स्ट सेशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम खान है, और जैसा कि आपने प्रीवियस सेशन देखा उसमें जो हमारे पास क्लाइंट थी उनको अपने एक्सप्रेशंस को जो है वो अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा था। उनको ये नहीं पता था कि मैंने कौन से मौके पर कौन सी फीलिंग्स जो है उनको कैसा शो करना है। सेशन के स्टार्ट में तो वो थोड़ी नर्वस थी, पर उन्होंने अपने नर्वस पाने के लिए स्माइल करती गई। सेशन जैसे जैसे हमारा आगे चलता गया उनसे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे, बार बार रिपीट किए क्वेश्चंस जो जिनके उनको मेरे ऊपर गुस्सा भी आया, और उन्होंने वो गुस्सा जो है वो जाहिर किया बजाय इसके कि वो दोबारा ऐसे स्माइल करके और उसको छुपाती, बल्कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, जो कि बहुत अच्छी बात थी, इम्प्रूवमेंट की तरफ बात जाती नज़र आई। हम लोगों ने उस सेशन का एंड वहीं पर कर दिया, क्योंकि मेरे ख्याल से वो उस दिन के लिए इतना बहुत था, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट क्लाइंट को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अब हम लोग का जो सेकंड सेशन है उसमें हम लोग उसके ऊपर एक टेक्निक अप्लाई करेंगे जो कि गेस्टाइल थेरेपी की रोल प्लेइंग टेक्निक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इस सेशन में अब थेरापिस्ट क्लाइंट पर रोल प्लेइंग टेक्निक अप्लाई करेगी ताकि क्लाइंट को खुद रियलाइजेशन हो कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है और उसे उसे किस तरह से रिजॉल्व करना है। सलाम दुआ के बाद जब क्लाइंट से उसके प्रीवियस सेशन के बारे में पूछा गया तो इस पर वो क्या कह रही है, चलिए आए देखते हैं। मैं वैसे मतलब आपकी बात के बारे में सोचा था, यानी कि लेकिन मुझे ठीक तरह से समझ नहीं आई थी कि पहले मैं आप मुझे कह रही हैं कि मैं फेक स्माइल कर रही हूँ, फेकनेस दिखा रही हूँ, जो कि आपने मुझे कहा जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर आपने मुझे कहा कि आप अपना गुस्सा ठीक शो कर रही हैं, तो मतलब कि थोड़ी सी अभी मुझे है कंफ्यूजन। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि देखिए ना, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना आ रही हैं ठीक से, तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की क्या बात है? मुझे शायद इस वजह से कन्फ्यूजन है कि फिर अगर मैं ऐसे करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, जैसे पहले सब कहते हैं, तो बस आप मुझे इस मसले का मेरे हल बताएं कि ये जो मेरा मसला है कि जिस तरह सब आगे से मुझे कहते हैं कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये क्या एक्सप्रेस करें, तो ये खत्म ये वाला मामला। देखिए ना, आपका हम यही मसला ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने जो फीलिंग्स हैं उनको ठीक से जाहिर, किस मौके पर आपने कौन सी फीलिंग्स जाहिर करनी है आप वो कर सकें। कल आपने गुस्सा जाहिर किया, आप अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती हमें नज़र आ रही हैं।
जी, अब हम आपके साथ एक छोटा सा रोल प्ले करेंगे जिसमें आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे जो है वो फातिमा इमेजिन कर ले और जो है वो आप खुद को जो है वो थेरेपिस्ट इमेजिन कर ले। यानी कि आप कह रही हैं कि मैं इमेजिन करूँ कि मैं आप हूँ और फिर यंग करूँ। बिल्कुल। और एज अ थेरेपिस्ट आप मुझे क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी फातिमा कि तुम अपनी फेकनेस शो कर रही हो जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तो आगे से रिप्लाई में फातिमा क्या कहेंगी? यही ना कि मैं नहीं फेकनेस शो करती, मैं ऐसे ही एक्सप्रेस करती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मतलब मैं फेकनेस शो नहीं करती जैसे आप कह रही हैं। मतलब ये चीज़ ये तो मुझे, मैं पता नहीं क्यों ऑफेंड हो रही हूँ, मैं क्यों डिफेंसिव मूड में हूँ आपके सामने, लेकिन मैं फेकनेस शो नहीं करती। लेकिन मैं क्या इस चीज़ का, देखिए मेरे साथ आप थोड़ा कंफर्टेबल फील कीजिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने क्लाइंट को है जो वो कंफर्टेबल फील करवाएं, उनकी प्रॉब्लम्स को जाने, उनको ऑफेंड किए बगैर जो है वो उनका उनके उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाएं। आप कंफर्टेबल फील कीजिए मेरे सामने और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्सा जाहिर करें, आपको खुशी हो रही है तो आप खुशी को ही जाहिर करें। लेकिन देखिए मुझे ये, लेकिन मैं किस तरह एक्सप्रेस करूँ कि मैं इस वक्त गुस्से में हूँ, मैं आपको किस तरीके से बताऊँ? ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अब आप बता रही हैं। अभी आप गुस्से में हैं और आप गुस्से से ही बात कर रही हैं मेरे साथ और आप अपने गुस्से को जाहिर कर रही हैं। अच्छा, मतलब मैंने अब ठीक किया? बिल्कुल। तो आप भी देखिए, आप अब अपनी इम्प्रूवमेंट की बात सुनकर मुस्कुराई हैं, इसका मतलब आपको खुशी हुई है और आप मुस्कुराई हैं, इसका मतलब यही है कि आपको अपने एक्सप्रेशंस को है वो जो है वो अपनी फीलिंग्स को है वो एक्सप्रेस करना आ गया। एक दफ़ा दोबारा रोल प्ले करें, आप फिर से खुद को दोबारा से जो है थेरेपिस्ट इमेजिन कर ले और मुझे क्लाइंट, यानी आप मुझे फातिमा इमेजिन कर ले और आप मुझे क्या कहेंगी? मैं थेरेपिस्ट जैसे पहले कह रही थी, आप मुझे कह रही हैं कि मैं जैसे मैंने अभी गुस्सा दिखाया, मैं बिल्कुल ठीक दिखा रही हूँ, मुझे ऐसे ही दिखाना चाहिए। आगे से फातिमा ने क्या कहा? तो आगे से फातिमा ने यही आगे से यानी मैं यही कह रही हूँ कि मैं गुस्सा शो किया जो आप जैसे मुझे कह रही हैं कि मैंने बिल्कुल ठीक किया। तो यानी कि आप मुझे कह रही है कि जब मुझे गुस्सा आएगा या कुछ इस तरह, तो मैंने उसको मतलब आगे से अगले बंदे को दिख बताना है कि मुझे गुस्सा आया। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। नहीं सिर्फ गुस्सा ही, अगर आप खुश हो रही हैं आपको स्माइल करनी चाहिए, अगर आप कंफ्यूज हो रही हैं आपको स्माइल नहीं करनी चाहिए, आपको कंफ्यूजन, आपको अपने फेस के जो एक्सप्रेशन है वो आपको हाइड नहीं करने चाहिए ना, आपको एक्सप्रेस करने चाहिए। मैं आपकी बात समझ आ गई, आप मुझे क्या कह रही हैं। यानी कि आप मुझे कह रही हैं कि अगर मैं, जैसे कि मुझे गुस्सा आया था आपकी बात सुन के, तो मुझे उसको शो करना है, और अगर मैं अगर किसी बात की वजह से खुश हूँ तो मुझे उसको शो करना है, बजाय ये कि मैं गुस्से में हंसूँ या, मतलब मुझे आपके पास समझ आ रही है, मतलब आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, तो यानी कि इसका मतलब है कि फिर जो बाकी मुझे कह रहे थे वो आई पे ख्याल है शायद आप मतलब वो ठीक कह रहे थे। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे मतलब किसी की बात पे यकीन नहीं आ रहा था, मतलब मैं नहीं समझ पा रही थी इस बात को। आपने बोला ना कि इमेजिन करो कि आप मैं हूँ और मैं आप हूँ, तो जब मैंने खुद को इमेजिन करके आपके वाले सवाल दोबारा दोहराए ना, तो मुझे रियलाइज हुआ, मतलब जब मैंने खुद को आपकी जगह पे रखा तो मुझे लगा कि शायद आप ठीक कह रही हैं, और फिर जब मैंने अपना जवाब दोबारा बताया तब मुझे थोड़ा अंदाजा हुआ कि हाँ मुझे चेंज करने की जरूरत है खुद को, मुझे समझ आ रही थी कि मैं किस जगह पे गलती थी। कि आप ठीक कह रही हैं, मतलब आप मुझे अंदाजा हुआ है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, शायद कोई और मुझे ये ना यानी कि यकीन दिलवा सकता जैसे मैं नहीं कर रही थी किसी की बात पे। मैं काफी खुशी के साथ ये कह सकती हूँ बात कि मुझे आपके इन सेशन से हेल्प मिली और मुझे अंदाजा हुआ है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं अब इम्प्रूव कर सकती हूँ मजीद। बहुत अच्छी बात है, आप इम्प्रूवमेंट की तरफ गई हैं, हमें खुशी हुई कि हमारा जो क्लाइंट है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है, तो हम लोगों को दिल से खुशी होती है। अब मुझे उम्मीद है कि ये सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे और आप जी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप जानते हैं जो गेस्टाल्ट थेरेपी है उसमें जो क्लाइंट है वो खुद ही रियलाइज करता है अपनी प्रॉब्लम्स को। सेकंड सेशन में हमने क्लाइंट के ऊपर एक रोल प्ले टेक्निक अप्लाई की जिसमें जो क्लाइंट है उसको अपनी प्रॉब्लम्स का खुद ही एहसास होता है और वो खुद ही रियलाइज करता है कि वो वाकई जो है उसमें किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो कहाँ पे इम्प्रूव करे खुद को। हमारे जो दो सेशंस थे वो क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुए। प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप अपने फ्यूचर के लेकर क्यों परेशान हैं?
मुझे लगता है कि मुझे मतलब फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब शॉपिंग करती हूँ हर वक्त। मेरा यही दिल होता है कि मैं मॉल में जाऊँ, शॉपिंग करूँ, ऑल द टाइम से फील करूँ। ओके, आपको ये फील होता है कि जो आप शॉपिंग कर रही हैं वो आपके पैसे वेस्ट कर रही हैं सेविंग करने की बजाय, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? जी, क्योंकि मतलब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब मुझे चाहिए कि मैं कमी करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही। दैट्स गुड कि आपको आपकी प्रॉब्लम का पता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपनी प्रॉब्लम का पता होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनकी स्टेज कहाँ पे है, उनकी स्टेज पे लाइफ में कर रहे हैं, जिससे हमें फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छी बात है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का पता है, आप इसे कंट्रोल करना चाहती हैं। जी, मैं बहुत सोचा था कि मैं क्या करूँ कि ये सब कुछ मतलब मैं छोड़ दूँ। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि मतलब थेरेपिस्ट से कंसर्न करो, इसीलिए फिर मैं यहाँ आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे आप कुछ अच्छा बताएंगे, इस वजह से मेरी ये बात अच्छी हुई है। उम्मीद है कि आप अपनी जो आपको फील हो रहा है कि ये आपकी हैबिट बैड है, आप इसे बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे और इस काम में मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगी। बिकॉज आजकल सब लोगों का यही मसला आता है कि वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि उनके फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं कुछ लोग, और उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से उनको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मगर जब उन्हें ये बात फील होती है तो वो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करना शुरू कर देते हैं, और ये हमारी यंग जनरेशन डिप्रेशन का शिकार हो गया इसी वजह से। आपकी इस बैड हैबिट से छुटकारा पाने के लिए आपको एक टेक्निक बताती हूँ, जिसमें आप ही के सामने एक एम्प्टी चेयर रख दी जाएगी और आपको खुद ही इमेजिन करना है कि आज से 5 साल बाद वाली फायजा आपके सामने बैठी है और आपने ये वाली प्रॉब्लम उसे डिस्कस करनी है, और ऐसा आपको इमेजिन करना है कि उसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। कैसे? आपको ये फील करना है कि जैसे आप आपने अपनी कोई सेविंग नहीं की हुई, आपने अपने सारे पैसे आपने शॉपिंग पे उड़ा दिए, फ्यूचर में आपके पास कोई सेविंग नहीं होगी। तो आपने उसके पास भी सेम ऐसा ही है कि उसके पास भी इस टाइम कोई सेविंग नहीं है, और वो लाइफ की कौन सी स्टेज पे खड़ी है, किस सिचुएशन में है, उसके साथ कोई उसकी हेल्प करने वाला है या नहीं, या उसके पास कोई सेविंग्स हैं जिससे वो अपनी लाइफ आगे की एक अच्छी तरह गुजार सकती है जिसमें उसे कोई स्ट्रेस ना हो। आप उससे ये एडवाइस लें, आपको उससे क्या लेसन मिलता है, आपको क्या बताती है? You got it? तो आपको 5 साल बाद मेरी फायदा किस स्टेज पर नजर आ रही है? उसके साथ बहुत बुरा वक्त आ गया उसके ऊपर, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके सारे जो पैसे हैं उसे शॉपिंग करके जाया कर दिए। अब आप उसे क्या कहना चाहती हैं? कह रही हूँ कि जब मैं शॉपिंग नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, मैं कोशिश करती हूँ खुद को कंट्रोल करने की। वो आपको क्या आंसर कर रही है? मुझे यही कह रही है कि तुम अभी अपने लाइफ में ये वाली कमी रखना चाहती हैं, वो वाली कमी जहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा, सब लोग तुम्हारी फैमिली जो भी तुम्हारे गरीबी रिश्ते हैं वो सारे तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। फिर आपने क्या सोचा? मैंने यही सोचा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे सब जो करीबी रिश्तेदार हैं वो मेरे से दूर हों, और मैं अभी से अपनी इस चीज़ पर कंट्रोल करूँगी और कंट्रोल करूँगी अपने साथ। मैं शॉपिंग करूँगी यानी कि मैं सब तक छोड़ ही दूँ सारा कुछ, लेकिन एक लिमिट में रह के सिर्फ इतनी करूँ कि मेरे लिए बाकी सब चीज़ों के लिए भी पैसे हो। वेल, आपने क्या सोचा, आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं? मैंने यही सोचा है कि मैं मतलब अपने आप पर गौर करूँगी कि जहाँ जहाँ मेरे में कमी है मैं उसको पूरा करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहाँ कोई भी मेरे साथ ना हो। सो आपने ये बिल्कुल दूर करना? जी, मैं जानती हूँ थोड़ी मुश्किल होगी स्टार्ट में, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मैं इसके साथ हो जाऊँगी। सो अब आप कैसा फील कर रहे हैं? हम फीलिंग गुड नाउ, क्योंकि पहले मेरी लाइफ में मैं सोचती थी कि मैं ये सब कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझसे ये सारी आदतें छूट जाएं। लेकिन आपने मुझे एक रास्ता दिखाया, एक ऐसी बात समझाई है जिस पर अमल करूँगी तो शायद मुझे ज़िंदगी में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सेविंग्स भी मैं कर सकूँगी। दैट्स गुड, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, नाइस टू मीट यू।